हाय गाइज, एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं बीरमहाराजपुर अंतर्गत एक डैम है जिसका नाम है थेंगो डैम। और मेरे साथ देने के लिए आज मेरे साथ आए हैं इंद्रो भाई। तो इंद्रो भाई साथ में है, तो बताइए इंद्रो भाई कितना एक्साइटेड है? तो बहुत खुश लग रहा है आज, क्योंकि बहुत दिनों से डैम को घूमने के लिए आएंगे बोल कर नहीं आ पाए थे। आज आए तो चलो घूमने चले बोलता है, पता चला गया। तो यहाँ आप कितने बार आ चुके हैं? मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, ऐसे भी गांव से पास पड़ता है ना, 20-30 किलोमीटर पड़ता है, तो हम जब भी मन लगता है तो चलो घूम के आते हैं। पाताली की तरफ आस में है ना। हाँ, तो गाइज अगर आप थेंगो डैम आते हैं तो पास में है एक और दो पर्यटन स्थान। एक होता है जो पाताली क्षेत्र है, उसका वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और एक पर्यटन स्थान माँ बेटाकानी टेम्पल है जिसको यहाँ ज़्यादा फेमस माना जाता है, आप ये दो जगह भी देख सकते हैं। बाकी चले देखते हैं डैम में। दोस्तों, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है थेंगो डैम, चारों तरफ से ब्यूटीफुल सीनरी से भरा हुआ है। आप देखिए, चारों तरफ से पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये जो थेंगो डैम है वो सामने देखिए दो पहाड़ी है, दो पहाड़ी का बीच में एक नाला है, उसको बांधा गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है तो उसको इरिगेशन के लिए बांध निर्माण किया गया है। और ये बांध में हर साल पानी भरा रहता है। दोस्तों, थेंगो डैम को स्पेशल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बांधा गया है। और ऊपर में जो दो पहाड़ी है
पहाड़ के बीच में एक नाला है, उस नाले को बांध के यहाँ एक डैम बनाया गया है और डैम का पानी इस कैनाल के थ्रू इरिगेशन के लिए नीचे भेज दिया जाता है। और बांध की जो जलाशय है उसमें साल भर बड़े बड़े मछली पाए जाते हैं। अगर आप मछली का शौकीन है तो सुबह सुबह यहाँ आकर आप बड़े बड़े मछली भी खरीद सकते हैं और दोस्तों और फैमिली के साथ आके यहाँ आप पिकनिक भी मना सकते हैं और डैम का भ्रमण भी कर सकते हैं। ऊपर में जो जंगल है वहाँ आप ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं।